बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 12 टर्म फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो n है वो 12 के इक्वल हो गया। तो ये देखें, हमने n को 12 ले लिया है। उसके बाद हमें सीरीज दी गई है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए वन हो जाएगी। तो ये वन प्लस आयोटा है फर्स्ट टर्म, तो ए वन हो गया वन प्लस आयोटा। और आर को हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आर जो है हमारे पास सेकंड टर्म यहाँ पर है टू आयोटा, तो ये टू आयोटा ले लिया, और ये फर्स्ट टर्म वन प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया। आपको याद होगा क्वेश्चन हमने जो 2 किया था उसमें भी इसी टाइप की रकम थी। तो डिनोमिनेटर में अगर आयोटा हो, मैंने आपको बताया था, तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। नीचे वाली रकम अब क्या बन गई है, इसकी शेप ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर बच रहा है आयोटा, उस आयोटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास r किसके बराबर आ गया, 1 प्लस आयोटा के। अब हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। n हमें मालूम है 12 है, n की जगह 12 लिख देंगे हम। a1 हमें मालूम है 1 प्लस आयोटा, वो हमने लिख दिया। r हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, वो लिख दिया। अब हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ये रकम भी देखें 1 प्लस आयोटा है, ये रकम भी 1 प्लस आयोटा है। यहाँ पर जो पावर है वो 1 है ना, जो हमें लिखते नहीं है। तो 1 और ये 11 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो वही हमने किया, 1 और 11 को प्लस करके 12 लिख दिया। ठीक है, अब इस 12 को हमने क्या करना है, आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा की पावर अगर हमारे पास हो, हमने वहाँ पर स्क्वायर बनाना होता है। तो अब इस आयोटा की पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। तो 12 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 6 लिख दिया है। अब ये जो 2 है, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 बन गई ना, तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और ये 2ab हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 जब हम लिखेंगे, तो ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बन गया, 2 आयोटा की पावर 6। अब 2 की पावर 6 अलग कर लेंगे, आयोटा की पावर 6 अलग। अब ये जो आयोटा की पावर 6 है, तो ये वो स्क्वायर बनाना है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, वो लिख लिया हमने। और ये काम करने के बाद इस 2 × 3 जब हमने लिखा, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 लिख सकते हैं, तो माइनस 1 का जब आप क्यूब लेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, नेट रिजल्ट -64। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 3 कंप्लीट हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार करें। ठीक है जी, ओके ना, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।